दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला अब शिल्पा शेट्टी के घर तक पहुंच गया है। इस मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं, नए नए चैट के स्क्रीनशॉट सामने आ रहे हैं और अब इस मामले में ईडी को एक और व्हाट्सएप चैट का सुराग मिला है। इस ग्रुप में कई चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं। तो दोस्तों, इस ग्रुप में रिया चक्रवर्ती है, स्नूकर प्लेयर ऋषभ ठक्कर है, इसके अलावा कुणाल जॉनी भी इस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा है। इस ग्रुप में उदयपुर की एक शादी का जिक्र है। साथ ये बात की गई है कि पार्टी में डूबी यानी कि ड्रग कौन सप्लाई करेगा, ये बात की गई है। जहां रिया का एक और ड्रग डील में नाम आया है, वहीं ऋषभ ठक्कर स्नूकर प्लेयर है। वहीं कुणाल जॉनी मुंबई के जुहू में रहते हैं और उनके कई होटल्स हैं और उनके इस होटल के बिजनेस में उनके पार्टनर है शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा। बताया जा रहा है कि ईडी ऋषभ ठक्कर से तो पूछताछ कर चुकी है। खबरों की माने तो ऋषभ ठक्कर ने किसी भी ड्रग पैडलिंग के मामले से खुद के जुड़े होने से इनकार किया है। हालांकि खबर है कि ऋषभ ठक्कर ने पार्टीज में ड्रग्स लेने की बात कबूली है। सूत्रों की माने तो ऋषभ ने कहा कि वो रिया को दोस्त की तरह जानते हैं। इस मामले में बताया जा रहा है कि अभी भी ऋषभ के बैंक अकाउंट खंगालने की तैयारी में है ताकि पता चल सके कि वो ड्रग पैडलिंग में शामिल है या नहीं। आपको बता दें कि बॉलीवुड के अलावा ड्रग पैडलिंग के तार अब होटल इंडस्ट्री और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री तक पहुंचने लगे हैं। फिलहाल इस मामले में कई सारी एजेंसियां अपनी अपनी जांच में जुटी हुई है। आगे जो भी खुलासा होगा उसे लेकर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।